हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाहरुख खान और रामचरण को लेकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में शाहरुख खान जब स्टेज पर थे तो उन्होंने रामचरण को स्टेज पर बुलाया। इडली वड़ा रामचरण, कहाँ है तू, आ जा यहाँ पर। जी हाँ, ये उनके शब्द थे और ये बातें ना कहीं जो रामचरण उनके फैंस को ना बुरी लग गई थी। और यही वजह है कि रामचरण की जो मेकअप आर्टिस्ट थी उनका तो गुस्सा ही फूटा था शाहरुख खान पर, और काफी ज्यादा उन्होंने शाहरुख के इस बर्ताव की ना निंदा की थी। उन्होंने कहा था जेवा हसन ने कि मैं तो जैसे ही ये बात सुनी वहां से चली गई, मेरा तो पूरा माइंड और मूड अपसेट हो गया था। मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं शाहरुख को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन शाहरुख इतने बड़े स्टार होने के बावजूद रामचरण जैसे दिग्गज अभिनेता पर इस तरह की जो बात कह रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा मुझे बुरी लगी थी। पर गाइस, क्या आपको पता है शाहरुख खान के स्टेटमेंट पर रामचरण का कैसा है रिएक्शन? अगर नहीं जानते तो फटाफट से गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दरअसल रामचरण ने खुद तो नहीं कुछ कहा, बल्कि जो उनके करीबी सूत्र है उन्होंने अब अपना जो रामचरण है उनका रिएक्शन सबसे शेयर किया है। और उन्होंने कहा है कि रामचरण ने कहा है कि जो फैंस भड़क रहे हैं उन्हें भड़कने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें नॉर्मल रहने की जरूरत है। चीजें मजाक में हो रही थी और हमें उन चीजों को हल्के में ही लेना चाहिए, हर चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। शाहरुख को मैं पहले से जानता हूँ, हम दोनों के बीच में चीजें काफी ज्यादा फ्रेंडली थी और उसी फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से, फ्रेंडली जेस्चर की वजह से शाहरुख ने ये बोला होगा। एक बार फिर से बता दूं, शाहरुख ने स्टेज पर रामचरण को बुलाने के लिए बोला था इडली सांभर रामचरण कहाँ, इडली वड़ा रामचरण कहाँ है तू। ये बात शाहरुख ने कही थी, रामचरण के फैंस नाराज हो गए। हालांकि रामचरण को इस बात पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अब ना इट्स ओके कहा है, कोई बात नहीं, चीजें हमें नॉर्मल हल्के में लेनी चाहिए, ज्यादा उन्हें तूल नहीं देना चाहिए। बहरहाल आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।